बंदे पुरुषोत्तम। श्री श्री ठाकुर जी के एक भक्त हुए केष्टोला। उन्होंने एक दिन श्री श्री ठाकुर जी से प्रश्न किया कि ठाकुर, दिन पर दिन मानसिक व्याधिग्रस्त लोगों की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है, इसके लिए क्या उपाय है? श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि मैं तो समझता हूँ कि उपाय सोचने के पहले इसके कारण के संबंध में सोचना होगा। कारण देखने पर यह पता चलेगा कि वीक नर्व और ब्रेन, दुर्बल स्नायु और मस्तिष्क लेकर ही वे संसार में आए हैं। उनमें जीवन संग्राम का धक्का सहने की क्षमता नहीं रहती है, किंतु ऐसी जन्मगत दुर्बलता के कारणों का विश्लेषण किया जाए तो यह पता चलेगा कि उनके माता पिता में ही कहीं त्रुटि है, या उनका कंपेटेबल मैरिज, सुसंगत विवाह नहीं हुआ है। इसीलिए यदि विवाह ठीक तरीके से न हो तो इसके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं रहेगा। विवाह ठीक तरीके से कराने के बावजूद भी ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे वंशों का कुलाचार, अति संस्कार और रक्तधारा अक्षुण रहे। विवाह के पहले पुरुष और नारी की वंशगत और प्रकृतिगत संगति को देखना होगा। इन कामों को करने के लिए चाहे जिस नाम से हो, हेरिडिटी ग्रुपिंग, वंशगत विभाग इंट्रोड्यूस, प्रवर्तन करना पड़ेगा, और ऐसी भी व्यवस्था रखनी होगी जिससे परिवेश के प्रतिकूल संघात में पड़कर भी मनुष्य बैलेंस साम्य ठीक रख सके, अपनी मानसिक क्षय क्षति की पूर्ति कर सके। इस दिशा में सदगुरु उपदिष्ट साधन भजन, नाम ध्यान अमृत की तरह काम करता है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में यदि ऐसा कोई प्रिय व्यक्ति न हो जिससे वह निश्चित हो और अपने भराक्रांत हृदय के दुख, व्यथा, ग्लानि और समस्या की बातें कहकर उसका समाधान पाकर दिल को हल्का कर सके, तो उसका जीवन दुर्वह हो जाता है। यदि इसके लिए भी कोई सदगुरु का आश्रय लेता है तो वह अपने बोझ को हल्का करने का बहुत सुयोग पाता है। अपने दुख के बोझ को अपने आप वहन करना मनुष्य के लिए बड़ा कठिन काम है, इसीलिए वह ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है जिसके निकट वह अपने दिल की बातों को खुलकर कह सके। इस प्रकार आत्मसमर्पण या आत्मनिवेदन करने के बाद मनुष्य की आंतरिक वेदना जितनी हल्की होती है उतनी ही उसके अंदर आत्मनियंत्रण शक्ति का आविर्भाव होता है, और तब वह कितने व्यक्तियों की सहायता कर सकता है। संसार में ऐसे भी व्यक्ति हैं या नहीं जो दूसरे पर भरोसा रखकर खड़े होने की जरूरत ही नहीं समझते? ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ, कम से कम मेरे लिए तो यह संभव नहीं है। इसीलिए अब भी कभी कभी माँ के बिना हताश हो जाता हूँ। व्यथा पाते ही ऐसा कोई सहानुभूतिशील व्यक्ति का सानिध्य खोजता हूँ। मनुष्य के दुख तथा विपत्तियों में माँ भय कहने वाला ऐसा व्यक्ति उसके पीछे खड़ा न हो तो वह और भी असहाय हो जाता है। दिनों दिन ईश्वर पर आस्था भी मनुष्य की घटती जा रही है। ऐसा विश्वास रहता है तो भी मनुष्य को बहुत कुछ उससे शक्ति मिलती है। चारों ओर से निःसंबल होकर जब वह निरुपाय हो जाता हो तो वह अपने मस्तिष्क को ठीक नहीं रख सकता है, और मस्तिष्क का दोष क्या हो सकता है? जो एक मन बोझा ढो सकता है उसके माथे पर यदि पांच मन बोझा एकाएक लाद दिया जाए तो वह कितनी देर तक उस बोझ को लेकर खड़ा रह सकता है? 7 मई 2015, पेज नंबर 9-10। जय गुरु।